समाजवादी पार्टी के भीतर एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष बहुत तेज हो गया है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि इस बार लड़ाई महिलाओं के बीच छिड़ी है। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पूर्व सांसद पत्नी डिंपल यादव और छोटी बहू अपर्णा यादव के बीच सियासी अरमान टकराने लगे हैं। दोनों ही चाहती हैं कि वो पार्टी में तेजी से आगे बढ़ें, इसलिए वो हर उस पद पर निगाह जमाए बैठी हैं जहां से वो सियासी फलक पर चमक सकती हैं। बताते हैं कि दोनों बहुओं को लगता है कि अभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में देरी है, तो फिर क्यों न संगठन में आकर मोर्चा संभाला जाए। दोनों बहुओं की निगाहें पार्टी की महिला विंग पर आकर जम गई हैं। दोनों ही बहुएं चाहती हैं कि वुमेन विंग की कमान उन्हें अखिलेश यादव सौंप दें। इन दोनों के अरमानों के बीच खटाई डालने का काम लखनऊ में मेयर का चुनाव लड़ चुकी आचार्य नरेंद्र देव की कुलवधू मीरा वर्धन कर रही हैं। उनके भी समर्थक पार्टी में आवाज बुलंद कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हाईकमान अपनी दोनों बहुओं में से किसी एक को चुन ले, लेकिन प्रदेश महिला विंग की कमान मीरा वर्धन को सौंपी जाए, क्योंकि मीरा ने दिखा दिया है कि प्रदेश में बेशक समाजवादी पार्टी कई बार सरकार बना चुकी हो, पूरे प्रदेश में उसकी हनक हो, लेकिन राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कभी अपने पैर नहीं जमा पाई। ऐसे में मेयर का चुनाव लड़कर और वो भी बेहद कम वोटों के अंतर से हारकर मीरा ने बता दिया कि अगर पार्टी उन पर भरोसा कर बड़ी जिम्मेदारी दे तो राजधानी लखनऊ को सपा के लिए अभेद किला बना सकती हैं। वहीं दोनों बहुएं भी चाहती हैं कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द महिला विंग को लेकर कोई फैसला लें। पार्टी सूत्रों के मुताबिक डिंपल यादव के समर्थक चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और देवरानी के हवाले प्रदेश कर दिया जाए, लेकिन अपर्णा समर्थक ये पचाने को तैयार नहीं है कि अपर्णा की हैसियत किसी भी कीमत पर अपनी जेठानी से कम है। अपर्णा समर्थक भी इस बात पर अड़ रहे हैं कि डिंपल तो सांसद भी रह चुकी हैं, आज नहीं तो कल फिर से सांसद बन जाएंगी। लेकिन मीरा वर्धन की तरह ही अपर्णा ने उस इलाके से जाकर समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी जहां पार्टी का नाम लेवा नहीं था। लखनऊ कैंट से उतरकर कांग्रेस से बीजेपी में आई खानदानी पॉलिटिशियन रीता बोगला जोशी से टकराना कोई मामूली बात नहीं थी। अपर्णा ने रीता को लोहे के चने चबवा दिए थे, इसलिए समाजवादी पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अगर किसी का ईमानदारी से दावा बनता है तो वो अपर्णा यादव ही हैं।